नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। वेब दुनिया के खबरों के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अगले पांच मिनट में मेरे साथ देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 500 के पार, अब तक 10 की मौत, 44 पीड़ित पूरी तरह से हुए ठीक, अलर्ट पर केंद्र और राज्य सरकारें। कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन, कई राज्यों में कर्फ्यू, पुलिस ने बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ दिखाई सख्ती, वेब दुनिया की भी अपील, घर में रहे सुरक्षित। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला, 3 दिन के लिए पूरा प्रदेश लॉकडाउन, सीएम योगी ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। मध्य प्रदेश में धीमे धीमे बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या, ग्वालियर और शिवपुरी में एक एक केस आया सामने, अब तक कुल 9 पॉजिटिव केस। कोरोना से निपटने के लिए एक्शन में शिवराज सरकार, भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू के साथ कोरोना संक्रामक रोग घोषित, सीएम शिवराज ने लोगों से घरों में रहने की अपील। और कोरोना को हराने का सबसे प्रभावी उपाय है अपने घरों में रहना, लोगों के संपर्क में ना आना, ये संपर्क की कड़ियां हमको तोड़नी पड़ेगी। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पीड़ितों की संख्या 100 के पार, पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू का सख्ती से पालन, सरकार की स्थिति पर पैनी नजर। दिल्ली में कर्फ्यू के बाद पुलिस ने खाली कराया शाहीन बाग, प्रदर्शनकारियों ने किया जमकर प्रदर्शन, पुलिस ने कई को लिया हिरासत में। कोरोना की चपेट में आए इटली के 10 पर्यटक पूरी तरह से हुए ठीक, गुरुग्राम के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज, पर्यटकों ने डॉक्टरों का किया शुक्रिया। कोरोना की जांच के लिए देश में तैयार हुई किट, पुणे की लैब में तैयार हुई किट को ICMR ने दी मंजूरी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट करने में मिलेगी मदद। कोरोना को लेकर राहुल ने फिर मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा कि बीमारी को रोका जा सकता था। सोनिया ने भी पीएम मोदी को लिखा पत्र, मजदूरों को मदद देने का किया अनुरोध। आयुष्मान योजना के तहत होगा कोरोना पीड़ितों का इलाज, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की स्थिति की समीक्षा। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मोदी सरकार जल्द करेगी आर्थिक पैकेज का ऐलान, वित्त मंत्री ने किए कई ऐलान, ATM से कितने बार भी पैसे निकालने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। कोरोना संकट के बीच बढ़ गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख, अब 30 जून तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, आधार से पैन लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ाई गई, GST को लेकर कई ऐलान। लगातार गिरावट के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में दिखाई दी तेजी, सेंसेक्स में 692 अंकों का उछाल, निफ्टी में भी 190 अंकों की बढ़त। कोरोना के खतरे के बाद चुनाव आयोग ने टाले राज्यसभा चुनाव, 17 राज्यों की 55 सीटों पर 26 मार्च को होनी थी वोटिंग, सिंधिया, दिग्विजय समेत कई दिग्गज थे उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में शपथ लेने के 15 घंटे के अंदर ही विपक्ष की गैर मौजूदगी में शिवराज सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, सपा बसपा और निर्दलीय विधायकों ने दिया साथ। भोपाल में कर्फ्यू के बीच विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर कमलनाथ ने जताई आपत्ति, कहा कि विधायकों को नहीं थी सत्र की जानकारी, विश्वास मत हासिल करने को बताया औपचारिकता। 8 महीने बाद बाहर आए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा कि नेताओं की रिहाई और 4G इंटरनेट सेवा बहाल करे सरकार, पिता फारूक पहले ही हो चुके हैं रिहा। रोहित शेट्टी कर रहे सिंघम 3 की प्लानिंग, 2021 में शूटिंग होगी शुरू, अजय देवगन फिर निभाएंगे सिंघम का किरदार, साथ में होंगे अक्षय कुमार। संजय लीला भंसाली बनाएंगे बेजू बावरा, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट होंगे फिल्म में, रणवीर और भंसाली की साथ में होगी ये चौथी फिल्म। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए वेब दुनिया के साथ, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।